तो आप शुरू करते हैं एंजाइम। एक क्वेश्चन तो एग्जाम से हर साल आता है, इस साल भी एक क्वेश्चन आएगा जरूर। और एंजाइम में कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पोर्शन है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, या तो वहाँ से आता है, या तो एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, या तो वहाँ से सवाल आता है, या तो इसमें एक हेडिंग है को फैक्टर, या तो फिर वहाँ से सवाल आता है। एक क्वेश्चन एंजाइम से आएगा जरूर। एंजाइम के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा पहले वो देखें, अभी कुछ लिखना नहीं है। सबसे पहली बात जो लिखी है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, अगर इतना लिखा मिल जाए तो फिर ये गलत है। एक्सेप्ट अगर कर दें, एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बस इसको छोड़ देना है, राइबोजाइम को छोड़ देना है। क्यों? राइबोजाइम एक नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम है। जैसे हम बोलेंगे नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम, वैसे एग्जामिनर पूछेगा, चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये प्रोटीन का नहीं बना है, तो किसी चीज का तो बना होता ही होगा, तो ये किस चीज का बना होता है? तो ये नॉन प्रोटीनेसियस होते हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। जैसे ही आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड, वैसे एग्जामिनर की तरफ से दो ऑप्शन आ जाएंगे, डीएनए का कि आरएनए का, तो फिर तुरंत आप कहोगे ये बने होते हैं आरएनए। और आरएनए बता नहीं पाओगे, वैसे तीन ऑप्शन आएंगे, राइबोसोमल आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की, मैसेंजर आरएनए की, आल, तब कौन सा आंसर दोगे? तो आंसर देंगे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। और ये बता नहीं पाओगे, वैसे ही पूछेगा कौन सा राइबोसोमल आरएनए, 18S कि 28S कि 23S कि 5S कि 5.8S, तब आप आंसर दोगे 23S आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए काम करता है एज ए एंजाइम किसमें? तो आंसर देंगे बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में 23S राइबोसोमल आरएनए काम करता है एज ए एंजाइम, इसका मतलब 23S आरएनए एक प्रकार का क्या है, राइबोजाइम है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसको आप भूल जाइए कि सभी एंजाइम प्रोटीन के नहीं होते, मान लेते हैं प्रोटीन के होते, इसको छोड़ दे तो बाकी तो प्रोटीन के ही होते हैं। तो अगर बाकी प्रोटीन के होते हैं तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन सी प्रोटीन, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन सी प्रोटीन, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी प्रोटीन, बताओ कौन सी प्रोटीन होगी यहाँ। तो देखो कौन कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ जो प्रोटीन होगी वो प्राइमरी भी हो सकती है, यहां जो प्रोटीन होगी वो सेकेंडरी भी हो सकती है, और यहां जो प्रोटीन होगी वो टर्सरी भी हो सकती है। हाँ, अगर चूज करना पड़ेगा तो आप टर्सरी प्रोटीन वाला लगाइएगा, ज्यादातर एंजाइम किस प्रोटीन के बने होते हैं, टर्सरी प्रोटीन के बने होते हैं। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि एंजाइम किसके बने हैं, प्रोटीन के, और प्रोटीन में कौन सी है, टर्सरी प्रोटीन। और अभी ताजा ताजा ही पढ़े हो कि ये 3D फोल्डिंग होती है, 3D डायमेंशनल इसमें फोल्डिंग होती है, और जब 3D डायमेंशनल फोल्डिंग होगी तो कोई ऐसे ऐसे फोल्ड करता है,
ऐसे ऐसे कुछ फोल्ड करेगा, तो जब ऐसे ऐसे कुछ फोल्ड करेगा तो देखो एक पिक्चर बनता है इसमें। जब ये 3D फोल्डिंग करेगा तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं पॉकेट या क्रीवाइसेज। क्रीवाइसेज कहो चाहे क्या कहो, पॉकेट, ये जो क्रीवाइसेज या पॉकेट है यही वो जगह है। जहां सबस्ट्रेट, अभी आगे पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट आता है एंजाइम से जुड़ता है, सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है जिस जगह, उस जगह को कहते हैं क्रीवाइसेज या पॉकेट, या इसी को कहा जाता है एक्टिव साइट, या इसी को कहा जाता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो काम का सवाल देखो क्या मिला है, किसी पर्टिकुलर एंजाइम का बात करेंगे तो बना होगा वो प्रोटीन का, स्पेशली बना होगा टर्सरी प्रोटीन का, उसमें 3D फोल्डिंग होगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे वैसे अपने ऊपर ही तो फोल्ड करती है, और फोल्ड करने से बनती हैं दरारें या पॉकेट, और इसी पॉकेट में क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और इसी पॉकेट को कहते हैं क्या, एक्टिव साइट, या क्या कहोगे, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। बात खत्म। अब दूसरा सवाल है, किसी पर्टिकुलर एंजाइम जिसमें पाया जाता है एक्टिव साइट, किसी पर्टिकुलर एंजाइम जिसमें पाया जाता है एक्टिव साइट, यही एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा काफी तेजी से। एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शन क्या, फास्ट। तो किसी रिएक्शन को अगर तेजी से कराना चाहते हो तो उस एंजाइम को यूज करो जिस एंजाइम में क्या हो, एक्टिव साइट पाया जाता हो, और अगर एक्टिव साइट पाया जाता होगा तो वहां आराम से सब्सट्रेट जुड़ेगा और तभी रिएक्शन होगा और तभी तेजी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये एनसीईआरटी के शुरुआती लाइनों में लिखा है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है पहले वो समझ लेते हैं। अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, बस एक अपवाद है, राइबोजाइम को छोड़ दीजिए। राइबोजाइम एक नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम है, और नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना होता है, किसी और चीज़ का बना होता है जिसका नाम न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड के नाम पर आरएनए होता है, आरएनए के नाम पर राइबोसोमल आरएनए होता है, उसके नाम पर 23 sRNA होता है। ठीक है, जो 23 sRNA होता है उसी के द्वारा एंजाइम बनते हैं। अब जब एंजाइम बनेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया में कौन सा है जो एंजाइम की तरीके से काम करता है, तो आंसर क्या देंगे, 23 sRNA। ठीक, दूसरा सवाल, मान लेते हैं राइबोजाइम को आप किनारे छोड़ दीजिए, इन जनरली तो प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो जो प्रोटीन के बने होंगे तो उसमें कौन सी प्रोटीन होगी, तो प्रोटीन के नाम पर प्राइमरी भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, टर्सरी भी होगी, हाँ इन जनरली क्वार्टरनरी नहीं होती है, अगर चूज करना पड़ेगा तो हम टर्सरी लगाएंगे। मान लेते हैं कि प्रोटीन टर्सरी यूज हो रही है, तो अगर टर्सरी होगी तो इसमें प्रोटीन की जो चेन होगी वो फोल्ड करेंगी क्या, इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड करती जाएंगी, और ऐसे हिसाब से फोल्ड करेंगी कि उसमें दरारें बन जाएंगी, जो दरारें बनेंगी उनको क्रीवाइसेज या पॉकेट कहेंगे, उन्हीं को एक्टिव साइट कहेंगे, और यही वो जगह है जहां क्या जाके जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट जाके जुड़ेंगे, इसी नाते इसको सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एंजाइम में जिसमें ये एक्टिव साइट पाया जाता है वही एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को तेजी से कराता है। ये पहली 5-7 लाइनों में लिखा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि जो एंजाइम है वो
वो वास्तव में कैटालिसिस है, कैटा वो वास्तव में कैटालिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो रेट को क्या करा रहा है, बढ़ा रहा है। इसी नाते कहा जाता है एंजाइमेटिक कैटालिस्ट। तो एंजाइम कैटालिस्ट की तरीके से काम करता है, इसी नाते इसको एंजाइमेटिक कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक, लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे क्या यूज होते हैं, कैटालिस्ट यूज होते हैं। उनको एंजाइमेटिक कैटालिस्ट कहोगे कि नॉन एंजाइमेटिक? जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटालिस्ट यूज होंगे उनको एंजाइमेटिक कैटालिस्ट कहोगे कि नॉन एंजाइमेटिक? उनको कहोगे नॉन एंजाइमेटिक कैटालिस्ट। तो ये क्या है? तो आपके पास फिर हो गए दो प्रकार के कैटालिस्ट, एक का नाम एंजाइमेटिक कैटालिस्ट, एक का नाम नॉन एंजाइमेटिक कैटालिस्ट, या इसी को कहते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। एनसीईआरटी में इन दोनों की कंपेयर किया गया है, एंजाइमेटिक कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तुलना की गई है। तो एक कुछ गड़बड़ लिख गया क्या, सही कर लो। ये लो, सही हो गया। सही है, हाँ। एंजाइमेटिक कैटालिस्ट और नॉन एंजाइमेटिक कैटालिस्ट, या एंजाइमेटिक कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट के बारे में लिखा है। क्या लिखा, जरा देखें। तो जो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट होते हैं वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इनएक्टिव होने लगते हैं। तो नॉट एक्ट एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं ये काम कर जाते हैं, ये कितने भी हाई टेम्परेचर और कितने भी हाई प्रेशर। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी फर्नेस भट्टी पढ़ाई जाएंगी जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस साल नीट में एक टेम्परेचर वाला सवाल भी तो आया था, पिछली बार आया था, हाँ, कोई फर्नेस वाला टेम्परेचर पूछ लिया था। तो वहाँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और रिएक्शन भी हो रही है। तो अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब है कि कैटलिस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे एंजाइम को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहो काम करो, ये तो गायब ही हो जाएगा। तो एंजाइम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, स्पेशली 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बहुत मुश्किल से काम करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक वाले किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर काम कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन ये है कि कुछ एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये सरवाइव करते हैं कहाँ, एट हाई टेम्परेचर। जैसे लाइक एट कहाँ, सल्फर, सल्फर PHU है,
सल्फर स्प्रिंग जैसे हार्ट वेंट्स। तो हार्ट वेंट्स में रहें, सल्फर स्प्रिंग में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, अगर ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर जिंदा है, इसका दूसरा मतलब भी यही है कि उसके अंदर के जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। जबकि अभी क्या पढ़े हो, अभी पढ़े हो कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है ना, इन ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि जो इनके एंजाइम हैं वो एक्टिव होते हैं, या रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। और एनसीईआरटी में लिखा कितना, 82-90 डिग्री सेंटीग्रेड, 82-90 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या रहते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसे एंजाइम जो एक्टिव रहें इतने हाई टेम्परेचर पर, ऐसे एंजाइम को कहा जाता है थर्मोस्टेबल। क्या एंजाइम? तो थर्मोस्टेबल एंजाइम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को पता है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस, जो किस टेम्परेचर पर काम करता है, हाई टेम्परेचर पर काम करता है। तो लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, टैग पॉलीमरेज। ये क्या है, थर्मोफिलिक एंजाइम है। और कहां से निकला, फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह लेते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पर वो जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके अंदर का जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर काम कर रहा है। एंजाइम हाई टेम्परेचर पर अगर काम कर रहा है, इसका मतलब एंजाइम क्या है, थर्मो स्टेबल। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ क्या, एंजाइम। तो अगर कोई एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो थर्मो स्टेबल है। एनसीईआरटी में एंजाइम हेडिंग का पहला पैराग्राफ पढ़ा डाला है, पढ़ लीजिए।
चलो देखें एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। एनसीईआरटी वाले बहुत सावधानी से लिखे हैं। क्या लिखा है? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हटा दो और लिखो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो गलत है कि सही है? तो क्या होगा? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, अब सही है। ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो कैसे काम करते हैं? एज ए एंजाइम। इनको कहते क्या हैं? हम कह सकते हैं कि एंजाइम को एक लाइन डायग्राम की तरीके से, जैसे हम लाइन डायग्राम कहेंगे इसका मतलब ये प्राइमरी प्रोटीन है। एन एंजाइम में प्रोटीन पाई जाएगी, वो कैसे होगी? प्राइमरी। और जैसे कहोगे प्राइमरी मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता, लेकिन एंजाइम में जो प्रोटीन होगी वो हो सकती क्या हो, या हो सकती क्या हो? टर्सरी। लेकिन मान लेते मोटा मोटा क्या मिलेगी? टर्सरी ही मिलेगी। तो जब टर्सरी मिलेगी तो बैकबोन ऑफ जो प्रोटीन चेन है वो क्या करेगी? वो फोल्ड करेगी। और अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाएगी, और अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाएगी किस किस पैटर्न में? क्रिस क्रॉस में, और अपने ऊपर। इसी नाते बनेंगी क्या, या क्या बनेंगी? पॉकेट। ऐसे ही किसी एक पॉकेट को कहते क्या हो? एक एक्टिव साइट एंजाइम की वो पॉकेट या दरार है जिसमें क्या फिट होगा? सबस्ट्रेट फिट होगा। दस एंजाइम अगर उसमें एक्टिव साइट है तो वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, कैसे? हाई रेट से। एंजाइम अगर कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो ये अलग होगा किससे? एक मेजर डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट काम करेगा हाई और हाई प्रेशर, जबकि एंजाइम कैटालिस्ट डैमेज हो जाएगा क्या? हाई टेम्परेचर। कितने पर? एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ एंजाइम निकाले गए हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो सामान्यतया रहते हैं कहाँ? हाई टेम्परेचर, जैसे हार्ट वेंट्स, जैसे सल्फर स्प्रिंग। ऐसे एंजाइम क्या होते हैं? स्टेबल। और उनकी रिटेन होती है क्या कैटालिटिक पावर? कब? हाई टेम्परेचर। कितने तक? इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ दिस एंजाइम। आइसोलेट फ्रॉम कहाँ से? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना कुछ लिखा है इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उतना ही बगैर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ अगला है। कौन सा? केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, इसमें फर्जी की कहानी बहुत दी है। तो पहले फर्जी की कहानी को अभी सुने और अभी भूले। क्या? जब कभी हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं तो देखो क्या क्या होता है। दुनिया में दो तीन प्रकार के चेंजेज होते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे अभी बर्फ है उसको गर्म करिए तो वो पानी बन जाएगी, और गर्म करिए तो भाप बन जाएगी। तो आइस से वाटर से वेपर, ये तो फिजिकल चेंज हुआ। क्या इसमें कोई बांड टूटा है? कोई बांड नहीं टूटा है। तो जब ना बांड टूटा है ना बांड बना है, तो जब कभी किसी कंपाउंड में बगैर बांड बने बगैर बांड टूटे कुछ बदलाव हो जाए तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अगर कहीं बांड बन जाए या बांड टूट जाए और कुछ नया बन जाए तो उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब जब बांड बनने और बांड टूटने की बारी आएगी तो देखो, हो सकता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन करे तो ये इनऑर्गेनिक है। लेकिन हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बना लीजिए। तो जब केमिकल रिएक्शन होंगी वो दो कैटेगरी की होंगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक।
तो मोटा मोटा दिमाग में ये है कि जो चेंज है, इस कहानी से कोई सवाल नहीं आया, जो चेंज है वो दो प्रकार का, एक कौन सा फिजिकल और एक कौन सा केमिकल, लेकिन केमिकल भी दो प्रकार का, एक कौन सा इनऑर्गेनिक और दूसरा कौन सा ऑर्गेनिक। बांड टूटे ना टूटे इस आधार पर, अगर ना टूटे तो, और टूटे तो, और टूटे में इनऑर्गेनिक में टूटे कि ऑर्गेनिक में, जैसे स्टार्च से ग्लूकोज बनाया तो ऑर्गेनिक, और बेरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन कराया तो इनऑर्गेनिक। ये कहानी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और तुरंत भूलते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, कैसे इसको समझेंगे, प्रयास करते हैं। पहले हम ये समझें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप ऑफ चेंजेज, एक का नाम जिसको शेप में चेंज कहो, बिना ब्रेकिंग ऑफ बांड कहो, इसको क्या कहोगे, फिजिकल प्रोसेस। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस से वाटर और वाटर से वेपर, ये सब किस में आएगा, फिजिकल में आएगा। बात खत्म, कुछ भी नहीं पूछा गया, बायोलॉजी में नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में पूछेगा। लेकिन जब कभी बांड टूटे या नए बांड बने तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, इसी को कहोगे क्या, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन फिर दो प्रकार की हो जाएंगी, ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक। केमिकल रिएक्शन में जैसे ये ऊपर दिया है, लिखा है ऊपर जो है ये इनऑर्गेनिक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, बेरियम सल्फेट और वाटर बनेगा। ये टिक कर सकते हो कि अगर हाइड्रोलिसिस करो किसका, स्टार्च का, किसमें, ग्लूकोज में, तो ये क्या है। तो केमिकल रिएक्शन फिर दो प्रकार की हो गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये वाली कौन सी, ये वाली इनऑर्गेनिक, और स्टार्च से ग्लूकोज ऑर्गेनिक, ठीक है। अब यहां से आखिर वास्तव में ये हेडिंग शुरू होती है, क्या है देखते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, हो ये रहा हो कि कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट का भी कोई ना कोई अमाउंट होगा, प्रोडक्ट का भी कोई ना कोई अमाउंट होगा। एक निश्चित समय बाद जितना प्रोडक्ट मिलेगा, एक निश्चित समय बाद जितना प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये काम की बात है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। एनसीईआरटी में लिखा है रेट इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, एक निश्चित समय में जितना प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। उसको वेलोसिटी भी कह सकते हो अगर अगर उसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक हो। जरा लाइट जलवा दो, डायरेक्शन क्या हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है। वापस आते हैं, तो ये जनरल बात है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, वो नहीं, तुम छोड़ दो, अखिलेश से बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या है, तो कहोगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तुम छोड़ दो भैया, प्रदीप तुम बैठो आराम से, उसको सब पता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट
टाइम, इसी को कहोगे क्या, इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट किस बात पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय दो बातों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय, तो दो आंसर दोगे, एक होगा टेम्परेचर, मतलब जहां रिएक्शन हो रही है वहां का टेम्परेचर कितना है, और दूसरा होगा प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंजाइम। जहां रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन, जहां रिएक्शन हो रही है वहां पर टेम्परेचर कितना है और वहां पर एंजाइम है या नहीं है, दोनों की बात यहां की गई है। देखो टेम्परेचर का ये लिखा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन दो होंगे, या तो डबल हो जाएगा और या तो हाफ हो जाएगा। ये डबल और हाफ किसने कहा है, तो एनसीईआरटी में लिखा है अकॉर्डिंग टू थंब रूल। अकॉर्डिंग टू थंब रूल क्या, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया जाए किसमें, टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज, तो चेंज तो दो प्रकार के होते हैं ना, या तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो या तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो। टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर घटाओगे तो रेट पर देखो असर क्या पड़ेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करोगे तो या तो रेट क्या हो जाएगा डबल, और या तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये किसके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल। अब ये कौन सा रूल है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा, बस याद करिएगा कि अकॉर्डिंग टू थंब रूल ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रभावित होती है। तो कहोगे अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का बदलाव करोगे तो रेट, रेट क्या हो जाएगा, या तो रेट डबल हो जाएगा और या तो रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। अब आता है फिर इसका क्या असर है, तो एंजाइम का देखो, तो एंजाइम का सीधा सा केवल एक असर है। एंजाइम करता क्या है, इंक्रीज कर देता है, इनहांस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करेगा, इनहांस कर देगा किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। कितने गुना इनहांस करता है, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है लगभग लगभग 10 मिलियन टाइम। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखो जरा, मान लेते हैं कि CO2 और वाटर की रिएक्शन हो रही है और बन रहा है H2CO3। अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के कराई जाए तो इसी रिएक्शन को कहोगे क्या, इसी को कहोगे अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या कहोगे, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो रेट फास्ट होगा कि स्लो, ऐसे केस में
रेट क्या होगा? स्लो होगा। और देखो कैसे पता चला, तो इस केस में अगर H2CO3 का नंबर पूछा जाए कितने H2CO3 बनेंगे, तो इस केस में H2CO3 का फॉर्मेशन होता है 200 मालिक्यूल पर आवर। 1 घंटे में कितने बनते हैं? 200 बनते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन में इसको इंजाइम के साथ कर दिया जाए, और इंजाइम बेटा कौन सा यूज करोगे? कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस रिएक्शन को आप फिर कहोगे क्या? यहां पहले क्या कहा था, अब क्या कहोगे? कैटालाइज्ड। और ये बताओ इस केस में रेट क्या होगा, स्लो की फास्ट? फास्ट होगा। कितना फास्ट होगा वो देखो, इस केस में H2CO3 कितने बनते हैं? लगभग लगभग 6 लाख मालिक्यूल क्या पर सेकंड, लगभग लगभग 6 लाख। अब आप सोचो 1 सेकंड में कितने बने हैं, तो 1 घंटे में कितने बनेंगे? इसका मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इंक्रीज कर दिया है क्या रेट, कितने गुना? आंसर देंगे क्या? 10 मिलियन टाइम। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई है क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कुछ बातचीत ना करो भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, एंजाइम लगाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। क्या? या तो एंजाइम होगा तो रेट ज्यादा होगा, और एंजाइम नहीं होगा तो रेट कम हो, इतने तो आंसर होगा, लेकिन रेट पर असर पक्का पड़ जाएगा। लेकिन एक आपके दिमाग में गलत बात बैठ जाती है क्या, कि एंजाइम का रिएक्शन पर केवल एक असर है, क्या? रेट पर। एंजाइम है तो रेट ज्यादा, और एंजाइम नहीं तो रेट कम, लेकिन ऐसा है नहीं। एंजाइम का रिएक्शन पर दूसरा असर भी है। एंजाइम का जो दूसरा असर है वो ये है कि एंजाइम बदल के आप प्रोडक्ट बदल सकते हो, किसी सबस्ट्रेट से आप क्या बना रहे हो? प्रोडक्ट बना रहे हो। एंजाइम नहीं यूज करोगे, एंजाइम नहीं यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, और अगर एंजाइम यूज करोगे तो प्रोडक्ट थोड़ा तेज यूज करेगा। किसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा जरूर, एंजाइम होगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा, बस फर्क क्या होगा? एंजाइम होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और एंजाइम नहीं होगा तो थोड़ा सा स्लो बनेगा। फिर देखो क्या होता है, यही सबस्ट्रेट है, यही प्रोडक्ट है, और यहाँ कोई ना कोई एंजाइम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उससे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। यहां लिखा हुआ है कि एक ही सबस्ट्रेट से आप अलग प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या बदल के? एंजाइम बदल के। तो एंजाइम बदल के हम सेम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बदल सकते हैं, इसका मतलब एंजाइम का दूसरा रोल हो गया, कि एंजाइम क्या चेंज कर सकता है? प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का एक प्रोडक्ट है पाइरूविक एसिड।
ठीक है, लेकिन ग्लूकोज से ही एक प्रोडक्ट बनता है, और ग्लूकोज से ही एक प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। अल्कोहल, अब ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज से पाइरविक एसिड बनाते हो तो यहां कौन सी रिएक्शन चलाते हो, क्या चलाते हो? ग्लाइकोलिसिस। और जिसमें कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप होते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो 10 स्टेप में अलग अलग एंजाइम लगेगा, सेपरेट। ये तो डिटेल में हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे ना, कि ग्लाइकोलिसिस कर लो, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बना लो, 10 स्टेप में चला लो, और 10 स्टेप के 10 एंजाइम यूज होते हैं। एक काम ना करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसी पाइरुविक एसिड से क्या बना लीजिए, लैक्टिक एसिड। बताओ कि कौन सा एंजाइम लगता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर एक स्पेशल एंजाइम बढ़ा लो, एक स्पेशल एंजाइम बढ़ा लो और एक स्टेप बढ़ा लो, तो प्रोडक्ट बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। और देखो, इसी पाइरुविक एसिड से क्या बना लो, इथेनॉल बना लो, कौन सा एंजाइम लगाओगे? दो एंजाइम लगेंगे, कौन से? एक का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और एक, हाँ, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। हाँ, पाइरुवेट डिकार्बोक्सीलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो दो एंजाइम लगाओगे, और जब दो एंजाइम लगाओगे तो क्या बन जाएगा? तो कहने का मतलब जानते हो, क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ? ये सब एनसीईआरटी में लिखा है कि एंजाइम बदल लीजिए और एक दो एक्स्ट्रा स्टेप चला लीजिए। एंजाइम बदलने से, एक दो एक्स्ट्रा स्टेप बदल देने से, सेम सबस्ट्रेट से हमको क्या मिल सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये पायरविक एसिड बनाओगे, फिर क्या करोगे? तो पायरविक एसिड के बाद फिर क्या चलाएंगे, और फिर क्या चलाएंगे? ईटीएस। ये हम कब करते हैं? ये करते हैं नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में, याद आया? ये नॉर्मल एरोबिक कंडीशन करते हैं। और लैक्टिक एसिड कब बनाते हैं? लैक्टिक एसिड कब बनाएंगे? जब मसल में क्या हो जाए, एनएरोबिक कंडीशन। तो अगर मसल में हमको मिल जाए कौन सी कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन, तो हम क्या बना लेंगे? तो हम बना लेंगे क्या? लैक्टिक एसिड। और अगर ऐसे कुछ एंजाइम दे दी जाए, किसमें? ईस्ट में, और क्या चला लिया जाए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो क्या मिल जाएगा हमको? तो देखो, ग्लूकोज तो वही है, उसी ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड क्रेब साइकिल ईटीएस चला रहे हैं, उसी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, और उसी ग्लूकोज से इथेनॉल बना रहे हो। क्या बदल के? एंजाइम ही तो बदल रहे हैं। तो एंजाइम के फिर हो गए दो असर, पहला असर एंजाइम रेट बदल देता है, और दूसरा असर एंजाइम बदल के हम क्या बदल सकते हैं, प्रोडक्ट बदल सकते हैं। इस हेडिंग में जितना लिखा है कुल पढ़ डालिए। देखिए, यहां से शुरू करिए, इस जगह से लेकर के और यहां तक पढ़ डालिए।
एनसीईआरटी वाला पैराग्राफ पढ़ लो। देखें एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर। जनरल रूल ऑफ थंब बताता है कि रेट क्या होगा या घट के क्या होगा, कब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइडर, या तो बढ़ाओ या तो घटाओ। कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं बहुत हाई रेट से, किसकी तुलना में, जब एंजाइम कैटालाइज करता है रिएक्शन को रेट क्या होता है, बहुत तेज होता है, किसकी तुलना में, आयन कैटालाइज। फिर ये रिएक्शन दी है, रिएक्शन वही है CO2 और वाटर से H2CO3 बन रहा है। लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम यही रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो होगी। क्यों, लगभग लगभग 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बनेंगे कितनी देर में, 1 घंटे में। लेकिन अगर यूज कर लो किसको, एंजाइम जो कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये एंजाइम सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, तो रिएक्शन की स्पीड ड्रामेटिकली क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और कितना, वो भी कितनी देर में, एवरी सेकेंड। इसका मतलब इस एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना, 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया है। इसका मतलब पावर ऑफ एंजाइम क्या है, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल। कह रहा हजारों टाइप के एंजाइम कैटालाइज करते हैं किसी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन में, किसी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक स्टेप में कैटालाइज जो एंजाइम यूज होगा वो या तो सेम होगा या तो क्या होगा, डिफरेंट। अगर कई स्टेप हो रहे होंगे तो उसी को हम कहोगे क्या, मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें लिखा है ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूविक एसिड। किसके द्वारा, डिफरेंट एंजाइम। जब करा चैप्टर 12 में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि यही जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसमें साथ में एक या क्या करो, दो एडिशनल रिएक्शन अगर करा लो तो हमको क्या मिल जाएंगे, अलग अलग एंड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर एक दो रिएक्शन करा लो, जैसे अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्स्ट्रा लगा दो तो लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, और पाइरूवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज कर दोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। कह रहा है स्केलेटल मसल में अगर आयन एरोबिक कंडीशन है तो क्या बन जाएगा, इसी रिएक्शन से। लेकिन अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो पाइरूविक एसिड बनेगा। ईस्ट में अगर चले जाओ और फर्मेंटेशन करने लगो तो यही पाथवे हमको क्या देगा। इसका मतलब है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमको क्या मिल सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्या बदल के, क्या बदल के,
एंजाइम बदल के। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको ये पढ़ना है कि आखिर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट इतना तेज कैसे कर देते हैं। कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो एनसीईआरटी में हेडिंग है हाउ एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो फिर से पुरानी कहानी वही थोड़ी सुनाई गई है, तो पहले वो पुरानी कहानी सुन लेते हैं। हाउ एंजाइम ब्रिंग क्या हाई रेट, हाई रेट कैसे लाएंगे। कोई ना कोई तो तरीका होगा ही, तो हाई रेट तो बाद में लाएंगे, पहले कुछ और बात देखते हैं क्या है? अभी बताया गया है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन, कौन सी टर्सरी प्रोटीन, और इस टर्सरी प्रोटीन में पाया जाता है क्या एक्टिव साइट, और यही वो जगह होती है जहां बाइंड करता है क्या सबस्ट्रेट, और तभी बनता है क्या प्रोडक्ट, और उसका रेट क्या होता है हाई होता है। ये तो पुरानी ही कहानी है कि ऐसा कोई भी एंजाइम जो उस प्रोटीन का बना हो जिसमें टर्सरी प्रोटीन हो, जिसमें एक्टिव साइट हो, उससे सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा और काफ़ी तेज बनेगा, इसी को कहेंगे हाई रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो पुरानी ही कहानी है, तो पहले पुरानी कहानी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेते हैं। To understand this, we should study the enzyme little more. We have already understood the idea of active site. हम active site का idea पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? किसी chemical या किसी metabolic conversion में, उसको हम reaction जब कहते हैं, तो chemical which convert into product, उसको क्या कहोगे? Substrate कहोगे। Enzyme जिसमें क्या होगा? प्रोटीन। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल। अगर हम थ्री डायमेंशनल कह रहे हैं, इसका मतलब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी, तो क्या कहोगे? टर्सरी है। इसी में क्या पाया जाएगा? एक्टिव साइट। यही कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट। इसको सामान्यतया एस और पी कहा, एस फॉर सबस्ट्रेट और पी फॉर प्रोडक्ट। फिर देखो क्या लिखा है, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कहाँ एंजाइम, किस जगह पर, और वो कौन सी जगह होगी या क्या होगा पॉकेट। सबस्ट्रेट हमेशा किसके पास पहुंचेगा? एक्टिव साइट के पास पहुंचेगा। एक्टिव साइट के पास पहुंचेगा, सबस्ट्रेट उससे जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद की कुछ कहानी है जो आपको समझना है, अभी कुछ लिखना नहीं है। देखो क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि जो एंजाइम है वो जुड़ जाता है किससे? सबस्ट्रेट से। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा, या उल्टा कह सकते हो, सबस्ट्रेट किससे जुड़ जाता है? एंजाइम से जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाएगा तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये परमानेंट नहीं होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि जल्दी ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट क्या कॉम्प्लेक्स। और जल्दी ही जब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो फिर आगे देखेंगे कि एंजाइम अलग होगा
और प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, अलग होगा। पहले क्या थे, एंजाइम और सबस्ट्रेट थे, अब क्या है, एंजाइम और प्रोडक्ट। तो इतना ही घटना हो रही है, इतनी ही घटना हो रही है कि एंजाइम सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। किसकी मदद से ये काम हुआ है, इंजाइम की मदद से हुआ है। जब इंजाइम की मदद से होता है तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनता है, बस इतना ही फर्क होता है। अगर इंजाइम ना हो तो भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बहुत स्लो स्लो बनेगा। एंजाइम अगर होगा तो प्रोडक्ट तेज बनेगा। अब सवाल है कि एंजाइम की मदद से प्रोडक्ट तेज कैसे बन जाता है, आखिर एंजाइम क्या कर देता है, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। तो क्या करता है, यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। देखो क्या करता है, होता यह है कि घटनाएं तो सिर्फ इतनी हो रही हैं कि कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हो जाता है, बीच में एक फेज बनती है, उस फेज का नाम होता है ट्रांजिएंट फेज। तो जब कभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक इंटरमीडिएट फेज बनती है, और इस इंटरमीडिएट फेज को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फेज। तो पहले सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा, पहले कन्वर्ट होगा ट्रांजिएंट फेज में, और फिर ट्रांजिएंट फेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट पहले जाएगा ट्रांजिएंट फेज में, और ट्रांजिएंट फेज में जा करके फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। ट्रांजिएंट फेज का बनना, ये बताओ ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है। ट्रांजिएंट का मतलब कम समय के लिए बनना, इसी नाते ये ट्रांजिएंट फेज से जुड़े दो क्वेश्चन, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, क्या कहोगे, अनस्टेबल, ये क्या होगा, अनस्टेबल होता है। टेम्परेरी है कि परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड है कि लॉन्ग लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। अभी कुछ लिखे नहीं, केवल सुने। तो अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जब हम बात करते हैं तो सबस्ट्रेट एक ट्रांजिएंट फेज में पहले जाता है, और फिर वो ट्रांजिएंट फेज ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। सबस्ट्रेट से ट्रांजिएंट फेज बनना और ट्रांजिएंट फेज से प्रोडक्ट बनता है। बीच में जो ट्रांजिएंट फेज बनता है, कभी कभार वो एक ट्रांजिएंट फेज होती है और कभी कभार वो एक से ज़्यादा भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट ना बने, बीच में जो कुछ भी बने उसका नाम क्या होगा, ट्रांजिएंट फेज होगा। ट्रांजिएंट फेज अनस्टेबल होता है, टेम्परेरी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अब ये बना क्या है ज़रा समझो। तो होता क्या है कि किसी भी सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के पास होती है एनर्जी, और किसी भी प्रोडक्ट के पास भी होती है क्या, एनर्जी। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और प्रोडक्ट की भी जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
तो एक जब कभी रिएक्शन होता है, जब कभी रिएक्शन होता है तो एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या हो, ज्यादा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम हो। तो जरा इसको रिएक्शन में देख लेते हैं। इन दोनों ग्राफ में आपको अंतर दिखेगा। देखो जरा, ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है और ये मान लेते हैं प्रोडक्ट है। तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी का लेबल ये है। अच्छा हाँ, इधर की तरफ क्या दिखा रहे हैं, इधर की तरफ दिखा रहे हैं एनर्जी और इधर की तरफ क्या है, टाइम। देखिए सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी अभी इस लेबल पर है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी एक किसी लेवल पर गई, अंततः उसकी एनर्जी घटी और क्या बन गया, प्रोडक्ट। इस केस में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है कि कम, इस केस में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है। तो जब कभी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, कम हो, किससे, सबस्ट्रेट की एनर्जी से। जब कभी प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो सबस्ट्रेट की एनर्जी से, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। इधर देखो, ये इस जगह है सबस्ट्रेट और इस जगह क्या है, प्रोडक्ट। ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट। बताओ किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है। मतलब कहेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, और सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, कम है। तो ये कैसा रिएक्शन है, इसी को कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर हमारे पास रिएक्शन हो गई दो, कौन सी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब कहोगे, एक्सोथर्मिक कब कहेंगे, जब प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम हो। और एंडोथर्मिक कब कहोगे, जब प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं, अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों केस में अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब बना है कि जब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के कहीं ले गए हो। इन दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हुआ है, जब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के किसी एक लेवल तक ले गए हो। इस केस में भी देखो, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके एक लेवल तक ले गए हो, ध्यान से सुनिएगा, वह लेबल पोटेंशियल एनर्जी का वह लेबल जिससे सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस एनर्जी लेबल को कहते हैं थ्रेसाल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेसाल्ड एनर्जी। तो ये पॉइंट क्या है,
थ्रेसाल्ड एनर्जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे थ्रेसाल्ड एनर्जी क्या है, कुछ लिखो नहीं केवल सुनो वरना समझ कुछ नहीं पाओगे। अगर एनसीईआरटी से पढ़ाना होगा तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ाई जाती है और उसको एक लेबल तक ले जाते हैं, जिस लेबल पर पहुंचने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस लेबल को कहते हैं थ्रेसाल्ड एनर्जी। अब हमको आप ये बताओ कि थ्रेसाल्ड एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये इस सबस्ट्रेट की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। किसी सबस्ट्रेट की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जिस पे सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहते क्या हो। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, सबस्ट्रेट, जिससे सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होता है जब किसी भी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके थ्रेसाल्ड एनर्जी तक ले जाते हैं, तब वो जा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। थ्रेसाल्ड एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का लेबल है, ठीक है। इस केस में भी सबस्ट्रेट को थ्रेसाल्ड तक ले गए और इस केस में भी सबस्ट्रेट को थ्रेसाल्ड तक ले गए, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल गई तो प्रोडक्ट के पास कम बची, और यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं निकली तो प्रोडक्ट के पास ज़्यादा बची। यहाँ ज़्यादा निकल गई तो प्रोडक्ट के पास कम बची, और यहाँ कम निकली तो प्रोडक्ट के पास ज़्यादा बची, लेकिन अंततः कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट के पास बची ही। यहाँ प्रोडक्ट के पास ज़्यादा बची है तो क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। यहाँ प्रोडक्ट के पास कम बची है तो क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब वापस चलते हैं, वापस यहाँ थे हम लोग कि किसी भी सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो हमको किस फेज से गुजरना पड़ेगा, ट्रांजिएंट फेज से गुजरना पड़ेगा, और ट्रांजिएंट फेज ही वही सबस्ट्रेट की फेज है जिसके पास थ्रेसाल्ड एनर्जी होती है। इसकी आप एनर्जी बढ़ाओ और बढ़ा के कहाँ तक ले जाओ, थ्रेसाल्ड तक, और जैसे ही थ्रेसाल्ड मिलेगी वही स्टेट होगी क्या, ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसके पास जो एनर्जी होगी, इसके पास जो एनर्जी होगी वो वास्तव में कौन सी एनर्जी होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, थ्रेसाल्ड एनर्जी होगी। और ये बताओ ये मैक्सिमम होगी कि मिनिमम है, ये मैक्सिमम होगी। तो बताओ ट्रांजिएंट स्टेट की जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा है कि कम, प्रोडक्ट से ज्यादा है कि कम। इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, हायर देन क्या, सबस्ट्रेट से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ट्रांजिएंट फेज क्या है, तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिएंट फेज इज ए फेज ऑफ सबस्ट्रेट दैट हैव एनर्जी हायर देन सबस्ट्रेट या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हिंदी में किसी भी सबस्ट्रेट की वो अवस्था जिसके पास उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी स्टेट को कहते क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट सबस्ट्रेट की है कि प्रोडक्ट की है, दोनों की है। अच्छा, ट्रांजिएंट स्टेट सबस्ट्रेट की है कि प्रोडक्ट की है, सबस्ट्रेट की है, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बना वैसे सबस्ट्रेट खत्म। फिर से सुनते हैं, ट्रांजिएंट फेज क्या है, तो कहोगे किसी भी सबस्ट्रेट की वो अवस्था जिसके पास एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो, जिसके पास एनर्जी का लेवल क्या हो, थ्रेसाल्ड हो,
जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, उसी स्टेट को कहोगे क्या? ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? क्यों क्यों? ड्यू टू हाई एनर्जी। ये शॉर्ट लिव है कि लॉन्ग लिव? ट्रांजिएंट है कि परमानेंट है? ट्रांजिएंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है? क्या कहोगे? हैं, अनस्टेबल। और क्यों अनस्टेबल है? अब आखिरी कॉन्सेप्ट देखें। अभी मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट के पास भी क्या है और ट्रांजिएंट के पास भी क्या है, एनर्जी। किसके पास ज्यादा है? उसके पास ज्यादा कहां से आई? इधर का छोड़ो, अभी इसकी तुलना कर रहे हैं। सबस्ट्रेट के पास एनर्जी है, हाँ। ट्रांजिएंट के पास एनर्जी है, हाँ। किसके पास ज्यादा है? कहां ज्यादा आई? बाहर से दी गई है। सबस्ट्रेट को एनर्जी दी गई है, सबस्ट्रेट को एनर्जी दी गई है। तो जब सबस्ट्रेट को आप एनर्जी दोगे, जब सबस्ट्रेट को आप एनर्जी दोगे, तभी सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ के कहां जाएगी? थ्रेशोल्ड पर। तो जो एनर्जी दी गई है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो एनर्जी दी गई है किस पर्पस से दी गई है? कि सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब सबस्ट्रेट एक्टिव हो जाए। इसी नाते इसी एनर्जी को कहते हैं, इसी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन। क्या एनर्जी? तो अगर क्वेश्चन पूछे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहोगे द एनर्जी गिवन टू सबस्ट्रेट टू इंक्रीज दिस एनर्जी टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन। हिंदी में किसी सबस्ट्रेट को जो एनर्जी दी जाती है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ के क्या हो, ट्रांजिएंट फेज तक पहुंचे, उसी को कहोगे क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। क्या? अगर क्वेश्चन पूछे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहोगे सबस्ट्रेट और ट्रांजिएंट फेज की एनर्जी के बीच जो अंतर है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच जो अंतर है वही क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अगर आपसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो कहोगे एनर्जी एनर्जी गिवन टू किसको? सबस्ट्रेट टू रीच कहां? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर्पज टू फार्म क्या? प्रोडक्ट। हिंदी में प्रोडक्ट बनाने के लिए सबस्ट्रेट को जो एनर्जी दी जाती है जिससे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए और प्रोडक्ट बन जाए, उसी को क्या कहते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या? डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ किसका एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट और
ओरिजिनल जो बेसिक स्टेट था उसके बीच जो एनर्जी लेवल में क्या है अंतर है, वही अंतर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप चाहते हो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने, अगर आप चाहते हो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि इस जगह पर सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओ और कहां ले जाओ, कहां ले जाओ, थ्रेसाल्ड तक ले जाओ, और थ्रेसाल्ड तक जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा के, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके कहां ले जाओ, इस लेवल तक ले जाओ जिसको क्या कहते हो, थ्रेसाल्ड एनर्जी का लेवल कहते हो, वहां तक ले जाओ। तो ले जाने में जो एनर्जी लग गई, ले जाने में जो एनर्जी लग गई, देखो ध्यान से, ये लेवल दिख रहा है अभी पोटेंशियल का, इधर की तरफ बेटा क्या है, इधर की तरफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया और कहां तक ले गए, थ्रेसाल्ड तक ले गए। तो ले जाने में ये जो दिख रहा है, ये क्या है, यही तो अंतर है। ये है सबस्ट्रेट का एनर्जी का लेवल, और ये है क्या, यही इसी जगह तो ट्रांजिएंट स्टेज होगा बेटा, इसी जगह तो ट्रांजिएंट स्टेट होगा। ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, यही है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब कभी किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके थ्रेसाल्ड तक ले जाते हैं, जो गैप होता उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब आपको इमेजिन करना, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में 10 सेकेंड लगते हैं और फिर वापस आने में भी 10 सेकेंड लगते हैं, तो बताओ प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड लगेगा भाई, 10 सेकंड थ्रेसाल्ड तक जाने में और 10 सेकंड वापस आने में, तो कितनी देर बाद प्रोडक्ट मिलेगा, कितनी देर में, 20 सेकंड में मिलेगा। अब अगर चाहते हो कि प्रोडक्ट आपको 10 ही सेकंड में मिल जाए तो कैसे मिल सकता है, प्रोडक्ट आपको 10 ही सेकंड में मिल जाए तो ऐसा कर दें फिर जाने का 5 सेकंड कर दें, आने का 5 सेकंड कर दें, तभी तो 10 सेकंड में मिलेगा। तो देखो कैसे हो सकता है, ऐसे कर देते हैं, थ्रेसाल्ड एनर्जी को अगर हम नीचे ले आए, अगर हम थ्रेसाल्ड एनर्जी को क्या कर दें, नीचे ले आए, तो बहुत जल्दी थ्रेसाल्ड नहीं पहुंच जाओगे, तो 5 ही सेकंड में थ्रेसाल्ड पहुंचोगे, 5 ही सेकंड लौट आओगे। ये भी क्या है, बस आप थ्रेसाल्ड कहां आ गया है, इस जगह आ गया है, ये भी बेटा क्या है, ये भी है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। बस आपको यह बताना है इस केस में प्रोडक्ट जल्दी बनेगा कि इस केस में प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, नीचे वाले में प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो रेट ज्यादा होगा कि कम, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा इसका मतलब रेट ज्यादा, और प्रोडक्ट अगर देर में बनेगा तो रेट कम, तो किस में रेट ज्यादा होगा, नीचे वाले में रेट ज्यादा और ऊपर वाले में रेट कम, इसमें होगा स्लो रेट और इसमें होगा फास्ट रेट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एंजाइम का नाम लेते हैं, केवल अभी तक मैंने एंजाइम का नाम नहीं लिया, एंजाइम की मदद से रेट फास्ट होता है कि स्लो, इसका मतलब है ये वाला कहानी किसने कराई होगी, तो हुआ है ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम।
तो अब कंक्लूजिव लाइन आई है, एंजाइम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैसे? तो आप कहोगे ये घटा देता है क्या एक्टिवेशन, क्योंकि पहले एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अभी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो कंक्लूजिव लाइन तो ये है, ये क्या है, टाइम है। टाइम के साथ क्या होता है, प्रोग्रेस होती है रिएक्शन की। तो एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, क्या चेंज करके, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा के घटा के, एक्टिवेशन एनर्जी घटा के। एंजाइम इनहांस करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, बाय, इसके दो आंसर मिलेंगे बेटा। पहला आंसर मिलेगा ये रिड्यूस कर देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ये घटा देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर ये ना मिले तो कहोगे ये घटा देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को नीचे ले आते हैं। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को नीचे ले आओगे तो बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड पहुंच जाओगे ना, तो ये घटा देते हैं, रिड्यूस थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर ये भी ना मिले तो जो एनसीईआरटी में लिखा, सबसे आखिरी लाइन में लिखा है, क्या घटा देता है, एनसीईआरटी की सबसे आखिरी लाइन पढ़ो इसमें, आखिरी लाइन में एक लाइन लिखी है, देखो लिखा है एंजाइम ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, जो काम की चीज है। क्या लिखा है, एनर्जी बैरियर यहां कहां से आ गया, अरे ये थ्रेशोल्ड बैरियर ही तो है कि अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो जाओ थ्रेशोल्ड छू के आओ, अगर थ्रेशोल्ड ऊंचे पे रखोगे तो छूना मुश्किल हो जाएगा, और नीचे रखोगे तो ये घटा लेता है, ब्रिंग डाउन क्या, एनर्जी बैरियर। काम की चीज नहीं पढ़ोगे, बाकी सब पढ़ोगे, एनर्जी बैरियर को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो ये एनर्जी बैरियर कौन सा चीज है, ये वास्तव में क्या है, यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता एक्सोथर्मिक को होती है कि एंडोथर्मिक को, यहां समझो। देखो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं है, है भैया, सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ाओगे वही तो एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी तो दोनों में लगनी है, वो अलग मसला है कि यहां जो एनर्जी निकली है वो काम आ जाएगी, यहां जो एनर्जी निकली होगी वो क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी, वहां हमको बाहर से देनी पड़ेगी। दोनों केस में हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्यों, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि सबस्ट्रेट सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, बगैर थ्रेशोल्ड जाए, और थ्रेशोल्ड तक पहुंचोगे कैसे, थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आया हुआ सवाल है नीट में, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, तो आंसर क्या देंगे, दोनों। वो अलग मसला है कि एक्सोथर्मिक में नेट एनर्जी क्या है, जितनी आप एनर्जी दिए होगे उससे ज्यादा मिल जाएगी आपको, जितनी आपने एनर्जी दी होगी उससे ज्यादा मिल जाएगी, तो नेट फायदे में रहोगे घाटे में रहोगे, नेट तो फायदे में रहोगे। मान लेते एक्टिवेशन एनर्जी में आपको 10 जूल देना पड़ा, यहां से यहां तक जाने में आपने 10 जूल खर्चा किया, और जब प्रोडक्ट मिला तो 20 जूल मिल गई,
प्रोडक्ट मिला तो 20 जूल मिल गई, तो 10 तो वो खर्चा जो किया था वो मिल गए और 10 नए मिल गए, तो बताओ हीट देनी पड़ेगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाहर से हीट नहीं देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि नेट हम क्या रहेंगे, फायदे में रहेंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हमको दोनों में देनी पड़ेगी, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर किसके लिए, बोथ एक्सोथर्मिक एंड क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एंडोथर्मिक को नॉन स्पॉन्टेनियस या एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ये लिखा मिलेगा, इसके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस और इसके नीचे लिखा है एनर्जी रिक्वायरिंग क्यों लिखा है, एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग क्यों है, क्योंकि जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उतनी नहीं मिली है ना, तो आपसे लग गई कि नहीं लग गई, और इसमें जितनी दे रहे होगे उससे, तो ये एनर्जी रिक्वायरिंग है कि वो, इसी नाते हीट के द्वारा एनसीईआरटी में लिखा है हीट के द्वारा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, इसमें हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है एंडोथर्मिक, ये बाहर से एनर्जी की डिमांड करेगी, और ये इसको बाहर से अभी मौके पे दे दीजिए, बाद में अपनी वाली ले लीजिए, तो नेट क्या होगा, इसमें फायदे में रहोगे। अब जितनी मैंने कहानी सुनाई है वो बहुत कम लाइनों में एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन बहुत कुछ सुना डाले हैं, तो सारी कहानी फिर सुनेंगे और फिर एनसीईआरटी के एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या बताया सुने। तो सिर्फ इतना बताया है कि किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो बीच में एक फेज बनती है जिसको ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिएंट फेज कहते हैं। उस ट्रांजिशन फेज के बनने के पीछे की कहानी ये है कि किसी भी सबस्ट्रेट के पास होती है एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा करके एक लेवल तक ले जाते हैं, उस लेवल को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे होगी वैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता दोनों को होगी, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, बस ये फर्क होगा कि एक्सोथर्मिक वाले में नेट फायदे में आप रहोगे और एंडोथर्मिक वाले में नेट घाटे में आप रहोगे, भाई इतना फर्क होगा। एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी की दो डिफिनीशन है, पहला सबस्ट्रेट को जो एनर्जी दी गई है जिससे सबस्ट्रेट थ्रेशोल्ड तक गया है वो एक्टिवेशन एनर्जी, या ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो गैप है वो भी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, क्या करके तो कहोगे ये घटा देते हैं क्या एनर्जी बैरियर। एक एक शब्द पढ़ डालो फिर हम पढ़ाते हैं।
देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा कैसे है। लिखा है द सबस्ट्रेट डिफ्यूज करता है किधर की तरफ, एक्टिव साइट की तरफ। इसी नाते अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य होता है, अनिवार्य है कि क्या बने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें ई किसके लिए, एंजाइम, और एस सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये कैसा है, ट्रांजिएंट फिनामिना है, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट बाउंड टू द एंजाइम, कहाँ, एक्टिव साइट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बनेगा। सबस्ट्रेट का ही स्ट्रक्चर है जिसका नाम ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत सारे बांड टूटेंगे या नए बांड बनेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट। दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में कहने की क्या जरूरत है, सबस्ट्रेट ट्रांसफार्म हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। दिस पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब बीच रास्ते में क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देयर कुड बी, हो सकता है कि ढेर सारे क्या हो, अल्टर्ड स्टेट बन जाएं, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, लेकिन ये कैसे होंगे। हाँ, सबस्ट्रेट भी क्या होता है, स्टेबल, प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्टेबल, उसके बीच में क्या होता है, अनस्टेबल, बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बनेगा, तो कहोगे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। इम्प्लीसिट दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट सभी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट कैसे होंगे, स्टेबिलिटी किससे जुड़ा मसला है, एनर्जी, हेंस वी लुक इन ग्राफ। तो ग्राफ में देख लो, ग्राफ में क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी का लेबल है सबस्ट्रेट का, और बढ़ा के कहाँ ले गए, ट्रांजिशन स्टेट में ले गए, और फिर घटा के कहाँ पहुँचा दिए, प्रोडक्ट में पहुँचा दिए। वाई एक्सिस का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस का मतलब ये किसको, टाइम के हिसाब से प्रोग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, किसके थ्रू, ट्रांजिशन। यू विल नोटिस टू थिंग, क्या, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, किससे, तो क्या कहोगे, ऐसे केस में नॉट नीड टू सप्लाई एनर्जी बाई हीटिंग, क्योंकि नेट हम फायदे में रहेंगे। आपने मान लेते 10 किलो कैलोरी एनर्जी दी और 20 किलो कैलोरी निकल आई, तो 10 जो दी थी वो तो निकल ही आई, 10 और क्या हो गई, फायदे में मिल गई। तो क्या हीट आपकी इस्तेमाल होगी, नहीं इस्तेमाल होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या स्पॉन्टेनियस है या क्या है, एंडोथर्मिक है या क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग है, सबस्ट्रेट को किसके थ्रू जाना पड़ेगा, हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी कंटेंट ऑफ एस मतलब सबस्ट्रेट फ्रॉम कहाँ से, इसी को कहते क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी। और कंक्लूजिव लाइन तो सबसे काम की, जो सबसे आखिरी में लिखी है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एंजाइम क्या करता है, घटा देता है किसको, एनर्जी के बैरियर। और ये एनर्जी बैरियर कौन सा है, वही ट्रांजिशन फेज वाला, उसके पास जो थ्रेसाल्ड एनर्जी है वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। तो उसको नीचे ले आओ तो बहुत जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इससे बहुत जल्दी क्या बनेगा, या बहुत आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, अब समझना खत्म, रटना शुरू। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हो, बस क्यों लिखना है, वो पढ़ना है क्या। देखिए, ये है एंजाइम, ये क्या है, सबस्ट्रेट, फिर बना क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बना क्या, और फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। बस एक बात जो नहीं बताया वो आप सुन लीजिए, एंजाइम और हार्मोन में एक अंतर होता है। जब कभी हार्मोन किसी रिएक्शन में यूज होता है
तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हार्मोन का कोई काम नहीं बचता है, मतलब वो मॉलिक्यूल दोबारा यूज नहीं हो सकता है। लेकिन एंजाइम में देखो क्या है, ये एंजाइम मॉलिक्यूल ये रिएक्शन कराएगा, आखिरी में ये एंजाइम फिर फ्री हो जाएगा और ये फिर से यूज हो जाएगा। तो एंजाइम मॉलिक्यूल बार बार यूज हो सकता है जबकि हार्मोन बार बार यूज नहीं होता है। क्या क्या स्टेप है देखो, तो स्टेप देखो, ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट, वही कहानी चौथी बार बता रहे हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जिसमें क्या फिर जो हाईली रिएक्टिव क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि कैसा होगा और ये जल्दी ही टूट जाएगा क्या प्रोडक्ट में, और हमें कैसा एंजाइम मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर हार्मोन ये काम करा रहा होता तो ये जहाँ अनचेंज लिखा है वहाँ जानते हो क्या लिखा होता, चेंज, एंजाइम रिएक्शन होने के बाद वैसे ही मिल जाता जैसा था, क्योंकि वो फिर से सबस्ट्रेट से बाइंड हो सकता जबकि हार्मोन ऐसा नहीं कर पाता है। तो कैसा एंजाइम मिलेगा, अनचेंज मिलेगा, और साथ में क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट। रिएक्शन देख ही रहे हो, रिएक्शन सामने आपके है। हाँ स्टेप देखिए लिखे हुए हैं, तो आपको स्टेप याद करना है। देखो जरा क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कहाँ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और फिट हो जाएगा किसमें, एक्टिव साइट। इधर देखो जरा बेटा, मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ये मान लेते हैं एंजाइम है, और ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट हो गया। देखो ऐसे फिट हुआ है, ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट है, ये मान लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये ऐसे फिट हो गया। लेकिन अभी देखो गैप दिख रहा है ना, फिर ये ऐसे पकड़ लेगा अच्छे से। तो जब कभी सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ता है तो एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेता है, क्या करेगा, शेप, और शेप चेंज करके अच्छे से इसके चारों तरफ हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो यहां तक पहुंच जाएगा और ये वाला हिस्सा यहां तक पहुंच जाएगा, और अब सबस्ट्रेट अच्छे से एंजाइम से क्या कर गया है, बाइंड कर गया। तो दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की किससे, एंजाइम से, वैसे एंजाइम से कहेगी कि क्या करो अपना शेप, फायदा, फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो क्वेश्चन एसर्शन है यहाँ, यहाँ रीजन भी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एंजाइम अपना शेप चेंज करता है एंजाइम एक्शन के दौरान, तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस करता है कि आप अपना शेप चेंज करो जिससे हम अच्छे से फिट हो सके। ये एसर्शन रीजन में आने वाली लाइन है। उसके बाद क्या होगा, जो एक्टिव साइट होंगी वो बहुत करीब पहुंच जाएंगी किसके, सबस्ट्रेट। फिर क्या होगा, ब्रेक कर जाएंगे क्या, बांड, किसके, सबस्ट्रेट, और फिर बनेगा क्या, एंजाइम प्रोडक्ट। और एक बार एंजाइम प्रोडक्ट बन गया तो फिर क्या होगा, फिर एंजाइम रिलीज कर देगा किसको, प्रोडक्ट को, ऑफ द क्या, रिएक्शन, और फिर से हमको क्या मिलेगा, फ्री एंजाइम, जो कि फिर से क्या होगा, रेडी होगा बाइंड करने के लिए किससे, एक और मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, और ऐसे ही रिएक्शन चलती रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिव,
आज इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे।